एक्चुअली मैंने बहुत मजाक उड़ाया लोगों का, एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरह के साइकोलॉजिकल और मेंटल ट्रॉमा से ये लोग गुजरते होंगे। इस लड़के को पहचानते हैं आप? जो भी मैंने आज तक किया। और 2009 में जब ये लड़का मेरे शो जिंदगी लाइव में आया था, और बस एक बार कैमरे के सामने आने के लिए उसने ये मैसेज दिया था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन यही लड़का स्टैंड अप कॉमेडी में देश में सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। इतनी मासूम कौम है आज। देश विदेश में इसका हर शो हाउसफुल होगा, करोड़ों लोग इसके दीवाने होंगे। एक क्या, सैकड़ों कैमरे इसके आगे पीछे घूमेंगे। ये अपने फैंस को हंसाएगा, गुदगुदाएगा, लेकिन हंसाते हंसाते जीवन के कई पाठ सिखा जाएगा। जिस लड़के को कभी इंदौर में जाने माने सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खां के पोते के नाम से जाना जाता था, उसे एक दिन सारी दुनिया द जाकिर खान के नाम से जानेगी। आज जाकिर खान को सारी दुनिया जानती है। जिक्र एक बेवफार सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। लेकिन हम जिंदगी विद रिचा में बात करेंगे उनकी जिंदगी के उन पहलुओं पर जिनसे बहुत से लोग आज भी अनजान हैं। इसलिए मुधर कर लिया हो सादगी तो हमारी, जरा देखिए एतबार के वादे पर कर लिया। जाकिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी त्रिचा में। पिछले कुछ सालों से बहुत मन था आपसे बात करने का, आज जाकर मौका लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए भी बड़ा दिन है कि आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। अरे नहीं, आप बहुत बड़े स्टार हैं भाई। मुझे जब मैंने अपने घर पे बताया तो दो बातें आपको बतानी। मेरी बेटी ने ऐसे कहा, जाकिर खान आपको जानते हैं मम्मा, वो आपको इंटरव्यू देंगे। मैंने कहा हाँ बेटा, थोड़ी सी पहचान हमने भी कमाई है। उसके उसने एक अच्छी बात कही, जिसका आदमी पालन करना चाहूंगी। माएँ ज्यादा बच्चों को सुनती नहीं है वैसे। उसने कहा, मम्मा कॉमेडियन जाकिर खान का नहीं, लेखक जाकिर खान का इंटरव्यू लेकर आओ आप। अरे ये तो गड़बड़ गलत, इंटरव्यू खत्म हो गया यहाँ पे, लेखक तो है ही नहीं। लेखक है, संगीतकार है, एक्टर है, तो सिर्फ कॉमेडियन की बात क्यों हो? जी जी जी, है ना? जी। तो आज सब थोड़ा थोड़ा समेटने की कोशिश करेंगे हम। बताइए, सबसे पहले तो जाकिर, कभी कभी लगता है कि जहाँ पहुँचना चाहा था या जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पहुँच गए? तो हमारे वालिद साहब ने, ये मैं बात अक्सर कहता हूँ, मेरे वालिद साहब ने बचपन से हमको कहा, और ये मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों को दुनिया में कहें, जो मेरे दादा, मेरी अम्मी, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, उन्होंने मुझे कहा कि तो बहुत बड़ा आदमी, अपने मियार में रहना, अब खुद की इज्जत करना है ना, और ये मालूम होना कि बहुत करना है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि बहुत बड़ा आदमी बनोगे, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना, ठीक है? तो जब वो बता देंगे कि हो गया, तब मैं रुक जाऊँगा, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ हर दिन। और आप कितने बड़े आदमी बनना चाहते थे हमेशा बचपन से? इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब मुझे बोल देंगे बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया था। पर आपको लगता है वो कभी होगा? नहीं, वो तो हमेशा डांटते रहते हैं आपको। उन्होंने पिछली बार मुझे बोला, साल भर पहले मुझे बोला भाई कि बहुत लोगों का नाम होता है, तेरे को अनोखा नाम नहीं हुआ है, ठीक है? जस्ट उनको लगा कि ज्यादा लोग हो रहे हैं आसपास, तो उन्होंने बोला कि तेरे को एक बात बता दो, बच्चे का दिमाग खराब ना हो जाए, कि सिर मत सुझा लेना अपना, कि मतलब सिर मत सुझा लेना अपना, बहुत लोगों का नाम होता है, तेरे को अकेले का नाम नहीं। बस मैंने कहा हाँ समझ गया पापा, हाँ बस बता रहा हूँ। साइड में अच्छी बात नहीं है ये, तो बहुत अच्छी बात है अगर बड़े लोगों का हाथ एक तो आपके सर पर रहे और ये बताते रहें कि देखो दिमाग खराब नहीं करना, ये सबसे जरूरी बात। अभी पिछले महीने बोल के गए वो, एग्जैक्टली अभी से 30 दिन पहले वो मुझे बोल के गए, सितार वो आते हैं तो बजाता हूँ, मैं भी बजाता हूँ जब वो रहते हैं तो, ठीक है? तो कह रहे कितना अच्छा हाथ है, बताओ सितार बजाता ना पूरी दुनिया में नाम होता अभी। मतलब ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो उन्होंने आपका भी हाल का दुबई का नहीं देखा कि क्या हाउसफुल और डबल शोज और क्या कर रहा है बेटा? उनको मतलब उनको वो वैसा वाला है ना कि आप अपने माँ बाप को लंदन घुमा दीजिए, ठीक है, पर अगर आप उनको गांव में अगर आप टीवी भी खरीद देना तो वो बड़ी चीज़ है। दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा हॉल खरीद दें आप लंदन का, वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनका जो यूनिवर्स है उसमें आप जाके थोड़ा थोड़ा होने लगा है, थोड़ा थोड़ा अब उनको कम्फर्टेबल होता है। पर उनका जो एक होता है ना कि एक चीज़ आप सोच रहे हो बचपन से कि अब जैसे आपके मन मुझे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, अब आपको कोई दुनिया की बेस्ट आइसक्रीम जिलाटो ला दे, पर आपके दिमाग में था कि मुझे वनीला खानी है।
तो मैं सितार बजाऊंगा और सितार से शायद मेरा नाम होगा, ये उनका सोचा हुआ है बहुत ज्यादा, बहुत साल पाला ना, जिसको हमने भी बहुत साल जिया, मतलब कब हमने 21-22 की उम्र और ऑलमोस्ट 19 साल मैंने सितार, 4 साल की उम्र में बजाना शुरू कर दिया, 19 साल सितार सीखी बजाई, तो उत्तस और ये लाइन सोची नहीं थी, ये लाइन कभी सोचा नहीं था कि सोचा नहीं था, ये लाइन तब एग्जिस्ट भी नहीं करती, हाँ एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, हमको बड़ा ये था कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, विश्वास के फादर जो है हमारे दोस्त जो विश्वास, वो थोड़ा पत्री चिट्ठी वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग दोनों बेरोजगार थे, हम तो कभी वो महीने भर हम एक दूसरे के घर रह लेते थे, वो इंदौर में पड़ा हुआ है, डांट भी खा रहे हैं पापा से, वहीं क्रिकेट भी खेल लिया, फिर उसके डांट खा के कि बिल्कुल बेरोजगारों वाली डांट है कि कुछ नहीं करते हो, ये वो नालायक हो, सब वो भी खड़ा, मैं भी खड़ा, मेरे घर में डांट कर रहा हूँ, वो भी डांट कर रहा है, फिर क्रिकेट भी खेल लिया, डांट के जस्ट बाद 5-10 मिनट बाद वहीं क्रिकेट खेल लिया, हम लोग तो ढीठ हुआ करते, हाँ हाँ, फिर तो ऐसे उसके घर भी मैं रहा हुआ हूँ, तो उनके पापा ने मेरा हाथ देखा और बोला कि भैया नौकरी तो करोगे नहीं तुम, थोड़े दिन करोगे और बोलने का कुछ काम करोगे, मैंने कहा नौकरी बोलने की करना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं करेंगे तो बोलने का है कहाँ भैया, तो हमको तब ऐसा लगा था कि हाँ ठीक है, ये ऐसे टाल रहे हैं कुछ कुछ, अच्छा हमको लगा जी 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 अच्छा 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 अच्छा, काम ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं था ना, मतलब क्या करेगा आदमी। एक बात बताइए, आज भी कभी ऐसा होता है जब इतनी फेम सब जगह कमा लिया है, नाम कमा लिया, लेकिन आज भी कभी कोई उस्ताद मोइनुद्दीन खां के पोते के नाम से ही जाने कि भाई हमारे लिए तो वही पहचान है? बहुत लोग हैं, एक वो होता ना कि खां साहब का पोता है, वो इतना सुंदर है ना, वो जाना, तो हम जहाँ हम रहते थे बम्बे बाजार में, पुराना इलाका है वो, जहाँ पे सारी जिंदगी अब्बा जी रहे, तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो कह रहे हैं मुदन चाचा का लड़का है, मुदन चाचा लड़के बेटा है, अरे वो है ना खां साहब का पोता है, अच्छा इस्माइल का बेटा है, इस्माइल का बेटा है, तो इसलिए जब इंदौर जाते हैं हम, तो इंदौर पे कभी भी एक अहद है हमारा कि हम पोस्टर पे अपना नाम नहीं डालते। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे खान साहब का बेटा लिखा होता है, ठीक है, तो इंदौर में आज तक जितने भी शो करें उसमें कभी भी होर्डिंग मार्केटिंग के हिसाब से कभी लगे ही होते हैं, तो उस पर कभी भी जाकिर खान नहीं लिखा होता है, उस पर लिखा होता है खान साहब का बेटा, क्योंकि उस शहर में अपने बाप दादा ज़्यादा बड़ा नहीं हो ही नहीं सकता, मेरी हैसियत ही नहीं, तो ये एक नियम है हमारा, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वो ज़्यादा बेहतर है, और मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना लोग कि किसी और के नाम से बुला दिया गया, या कोई किसी को बोलता है कि अरे ये तो फलाने के बेटे हैं या ढिमके के, मेरी कब पहचान बनेगी वो? एक तो हमको बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं, हमको शुरू से बहुत प्यार था, हम तो बार बार, हम तो बार बार रहते कि उस्ताद मुद्दीन खान साहब के पोते हैं, जाकिर खान नाम है हमारा, नाम बताने हमको लगता था इससे हमारा रास्ता खुलेगा खुलेगा, तो हमने बहुत हजारों करोड़ों लाखों लोगों को हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, तो हमको तो कोई शर्म भी नहीं, और अब भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमको, क्या बात है। बट एक बात बताइए, ये बड़ी दो अलग दुनिया है ना, वहाँ पर हर चीज इतनी तहजीब से बोलनी है, पैर छूने हैं, मतलब बिल्कुल ही अलग है, और यहाँ आप आते हैं अचानक कॉमेडी की दुनिया में, या मुंबई की अगर मैं कहूँ बॉलीवुड की दुनिया में, गाली तो हर सेंटेंस में आ ही जाती है, आपके शोज में भी होती है, ये दो दुनिया के बीच में जाकिर खान कैसे बैलेंस करते हैं? बेसिकली ये है कि आप वो भी शख्स हो जो अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत करता है, और आप वो भी शख्स हो जो अपने घर पे पूजा पे बैठता है, ठीक है, ये दोनों आप ही हो, ठीक है, एक जो नौकरी पे जाता है और एक जो शाम को 10:30-11 बजे अपने दोस्तों के साथ महफिल लगा के बैठा होता है, ये दोनों आप ही हो। तो जब मैं सितार बजाता था तो मैं घर पे होता था, अब जब मैं कॉमेडी करता हूँ तो मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों की महफिल में किसी इंदौर में एक आधे बने हुए मकान की की आधी उठी हुई दीवार पे बैठकर अपने 8 दोस्तों को बता रहा हूँ कि आज पता है क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसमें गाली गलौज भी है, और हमने बड़े से बड़े आर्टिस्ट को गाली गलौज करते सुना है जिनके पैरों में लोग बिछे रहते हैं, क्योंकि हम तो अब्बा जी के साथ रहते थे ना हमने आर्टिस्टों को शागिर्दों के बारे में बात करते ग्रीन रूम के किस्से भी सुने हम बैक रूम वाले लोग हमको मालूम हो कैसे सोचते हैं, अरे राज नहीं करते बिल्कुल भी करते पता नहीं अपने को क्या सोचते ऐसे वो, तो वो सब हमने सुना हुआ है, तो मेरे ख्याल से इतना मुझे तो नहीं उतना अलग लगता कि वैसा है, पर हाँ मुझे ये समझ आता है कि फॉर अ कॉमन मैन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, क्योंकि वो सॉफ्ट स्किल को ना रीड नहीं कर पाते, उनको लगता नहीं कि जिस भी काम में वर्क की जो डेफिनेशन है ना साइंस की, जिस भी काम में वर्क नहीं होता ना उस काम को सोसाइटी एक अलग खांचे में रखना चाहती है, कि जिसमें भी दीवार नहीं बन रही, पत्थर नहीं तोड़ रहा, जमीन नहीं खुद रही, उसको सोसाइटी अलग, वो कहती है कि ये लोग ही अलग है, हाँ, हाँ। जबकि हम उतने अलग नहीं है,
आप किस वाले को कह रहे हो कि अलग नहीं है? हम एज आर्टिस्ट, एज आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, एज कंबाइंड आर्टिस्ट। हरी जी से एक बार किसी ने पूछा था, हां ठीक है बांसुरी तो बजाते हो लेकिन करते क्या हो? जी 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 जी, तो क्योंकि उनको उनको सॉफ्ट स्किल लग है ना वो, कि मन को अच्छा लग गया, इसीलिए सारी दुनिया के डांसर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, उन सबको समझाने बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वर्क डन नहीं हो रहा। पर जो सॉफ्ट स्किल का काम है ना, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि खुदा ने सबको काम दिया है, ठीक है, सबको, कोई कपड़े बनाता है, बनाता सिर्फ कोई है, पहनते सब हैं, जूते कोई बनाता है, कोई बनाता है पर पहनते सब लोग हैं। ऐसे ही लोगों के मन के जो आधे अधूरे भाव हैं उनको शब्द देने का काम खुदा ने हमको दिया है। क्या बात, ठीक है। तो लोगों की जबान बनने का मौका मुझे मिला है, तो वो मैं जैसे भी होगी, जैसे भी जिस तरह के लोग मेरे हिस्से आए उनकी जबान में बनने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरे अंदर का सवाल था वो इस तरह से था कि अगर आप एक वाद्य बजा रहे हैं जी, तो आप एक वाद्य को शायद अपनी आवाज एक जबान दे रहे हैं, अपनी नहीं एक जबान दे रहे हैं, आपके माध्यम से वो बोल उठता है, लोग खुश होते हैं। एंटरटेनर वो भी है, एंटरटेनर ये भी है जो अब आप कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरह के एंटरटेनमेंट में बहुत फर्क है। हाँ। उसको बैलेंस करना, कहीं आप अपनी लाइफ में अपने आप को भी बैलेंस करके रखना पड़ता होगा कि उसको भी साध लें और इसको भी साध लें। उसका सही तरीका मेरे ख्याल से, तो मुझे ये लगता है कि दोनों में एक जो बेसिक चीज जो कंसिस्टेंट है वो है कि सितार अगर हमने नहीं सीखी होती, इतने साल अगर हमने उसमें नहीं लगाए होते, तो मैं यकीनन लिख के दे सकता हूँ आपके कि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं कभी नहीं पहुँचता इस काम में। अच्छा, सेंस ऑफ रिदम है, सेंस ऑफ टाइमिंग है, बात करते हुए लय में बात करता हूँ मैं, उसका इफेक्ट क्या होता है लय का, ठीक है, कि एक सुर की समझ है ना, कितना खींचने से कितना तार, कौन सा खींचने से कौन सा क्या आवाज, कि जब आप ऋषभ से गंधार पंचम खींच रहे हैं तो वो सही पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। ऐसे ही किसी बात को कितना खींच के उसको वापस लेके आना है, ये समझ में सितार से आई है, और ऑडियंस को भी समझने की शायद। एग्जैक्टली, आप 9 साल की उम्र से अगर आप स्टेज पे बजा रहे हो तो आपको एक अंदाजा है, मुझे स्टेज फियर नहीं होता था, स्टेज तो मेरा घर है, मुझे जाते में बहुत अभी भी डर लगता है हर बार वो सितार बजाना, तो एक स्टेज एंग्जाइटी जिसको चीज बोलते हैं ना, स्टेज के वो शुरू का 2 मिनट के बाद तो मुझे वो घर है मेरा, बचपन से हूँ मैं वहाँ पे। तो लोग मुझे कहते हैं कि अरे तुम्हारा बड़ा कंफर्ट है स्टेज पे, क्या, क्या है भाई कंफर्ट, सिर्फ आर्ट फॉर्म चेंज हुआ है। हाँ, कर ही रहा हूँ ना बचपन से, अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता। ऐसे जावेद साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि वंस यू डिलीट चैप्टर नंबर 16 व्हिच इज अ लो फेज और डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ, यू विल सी द चैप्टर नंबर 72 आल्सो गेटिंग ओमिटेड, कि वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। हर चीज जो है, हम सब अपने अपने जिंदगी की स्लम डॉग मिलेनियर जी रहे हैं, कि आपको खुद अंदाजा नहीं कि कौन से सवाल का जवाब आपको कहाँ मिल रहा है और क्यों मिल रहा है ना। तो जो हमारा कंडक्ट है एज स्टैंड अप कॉमेडियन ऑल्सो, स्टेज, ऑफ स्टेज और बाकी जगहों पे, वो बड़ा म्यूजिशियन लाइक है, क्योंकि वही मेरा संस्कार है, मैंने वही देखा है, और मुझे वैसे ही चाहिए था, और खुदा ने जिस वक्त आज हम ये कर रहे हैं तो मुझे ये महसूस होने लगा है कि लोग मुझसे वैसे ही प्यार करते हैं। वो मुझसे वैसे एज स्टैंड अप कॉमेडियन देखने की बजाय वो मुझसे एज आर्टिस्ट, एज म्यूजिशियन, म्यूजिशियन जैसे जैसा प्यार करते हैं वैसी इज्जत करते हैं, तो वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। अब मुझे जवाब मिल रहा है, क्योंकि मैं ना 2-3 दिन से ये सोच रही थी कि क्या चीज़ें जाकिर खान को बाकी स्टैंड अप कॉमेडियन से अलग करती है, लेकिन वो वही है, जब आप बोलते हैं ना तो वो जो रिद्म की आपने बात की, और आप बहुत आप दिल से बोलते हुए नजर आते हैं, ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ एक एक्ट करने आए हैं और एक्ट हो गया और ठीक है ख़त्म हो गया, निबट गया आपका वो, और वो जो ऑडियंस से कनेक्ट है वो आपको संगीत से मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, अब चूँकि अपना चीज़ें लिखनी भी हैं, लिखते हैं आप, तो पूत के पांव पालने में जब हम बोलते हैं, क्या बचपन में भी जाकिर खान इतना अच्छा लिखते थे, इतना अच्छा बोलते थे, या तब सिर्फ सितार बजा पाते थे, इतना बोल वोल नहीं पाते थे, इंट्रोवर्ट? बोल तो बचपन में बिल्कुल भी नहीं पाते थे। एक फिल्म है जिसने हमारा जीवन बदल दिया, उसका नाम है छोटी सी बात। छठी की गर्मियाँ चल रही थी, सातवीं, हमने देखा कि साहब एक हमने देखा कि एक फिल्म है जिसके अंदर एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट आदमी है जिसको एक लड़की पसंद है और वो बात ही नहीं कर पा रहे, और उस कैरेक्टर से इतना रिलेट किया मैंने उस वक्त छठी में, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था, मैं सितार बजाता था, मैं आर्ट में था, पर मुझे बात करना नहीं आती थी, मुझे छठी के पहले के अपने दोस्त याद नहीं है, मुझे वो लोग याद नहीं जिनके साथ मैंने टिफ़िन खाया हो, ठीक है, कोई टिफिन खाना पसंद नहीं करता था हमारे साथ इतना। एक तो बहुत अच्छे स्कूल में जाते थे, हमारे पापा ने बहुत मेहनत करके हम बहुत अच्छे स्कूल में जाते, पर उसकी वजह से क्या है कि बाकी सारे बच्चों का फाइनेंशियल स्लैब अलग है, उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है कॉन्वर्सेशन का। हमारे घर पर टीवी है, वो चैनल चेंज करने वाला टीवी, उनके घर पर रिमोट वाला टीवी है। हाँ, हमारे घर पर चैनल, एक बार केबल आने लगी बस ऐसे, एक
बगल से तार गया और एंटीना कैच करने लगा, हम बहुत एक्साइट हो गए। थर्ड की बात था, तीसरी में थे, तो हम चैनल चेंज करके उंगलियों पे निशान हो गया हमारी। सैटरडे संडे हमने इतना चैनल चेंज किया उसका, वो बहुत मुश्किल से कान में रोड़ना पड़ता था उसका। तो अब अगले दिन सुबह मंडे को स्कूल जाके मैं सबको बता रहा हूँ कि अरे पता है मैं इतने मेरे घर पे केबल जी टीवी आ रहा है, पता है मेरे घर पे 95-96 की बात है, मैं जी टीवी आ रहा है मेरे घर पे, पता है ऐसे करके मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उंगली पे निशान पड़ गया, उंगली पे निशान पड़ गया और खुद कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है उनकी तरफ से। फिर एक लड़के ने बोला कि क्यों तेरे घर पर रिमोट नहीं है क्या? ठीक है, मतलब ऐसे सुनने में बड़ा ह्यूमिलिएटिंग लग रहा है, पर उस समय नहीं लगता, बचपन में नहीं लगता। तब मुझे ऐसा लग रहा था, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा कुछ लैंड डिफरेंस है, कुछ कुछ उनका अलग है, कुछ वो नहीं है ना। अभाव की अवेयरनेस तभी होती है जब आपको मालूम हो कि दूसरा क्या हो रहा है ना। हमारे वाले साहब ने बहुत हमको गरीबी में पले हुए बच्चे नहीं है, हमको अपनी हैसियत से चार गुना ज्यादा बेहतर पाला है ना। वो बहुत अच्छी परवरिश दी उन्होंने हमको, कभी हमको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। पर आसपास देखते तो आपको पता चलता है अच्छा ये अलग है, तो वो भी उस वजह से भी शायद उतना नहीं आता था, बात भी नहीं करनी आती थी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक व्यक्तित्व हो जिसका एक छाप पड़े, जिसका एक वजन हो पर्सनालिटी का। वो शायद किसी किताब में डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखा है ना, किसी के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब करते अपने नॉवल में लिखा था कि उसकी शख्सियत ऐसी कि वो 10 लोगों की महफिल में अगर उठ के चला जाए तो किसी को मालूम ना हो कि कोई उठ के गए। तो हम उसमें से थे, मतलब इतना था कि कोई छोटा बच्चे को कोई पूछ रहा है कि ये कौन छोटा वाला है बड़े वाला है, तो कह रहे कि बड़े वाला है, कह रहा है अरे छोटे वाला बहुत क्यूट है आपका। हम वही गड़े हैं, हम भी तो यही हैं कि छोटे वाले को प्यार देना में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिल्म हमने देखी और उसके अंदर अशोक कुमार एक मेंटर बन के आते हैं और वो उनको है ना, उनको जीवन का ज्ञान देते हैं ये सबसे। और उसमें बड़ा खूबसूरत सीन है वो, जब अमिताभ बच्चन भी उनसे, उसमें यही जोक था कि अमिताभ बच्चन तक उनसे सलाह लेने आते हैं। अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन वो आते हैं सर कान में कुछ कुछ बोलो, यही सीन है, बस एक ही सीन है कि अरे वो अमित आया है, कह रहा अच्छा बुलाओ उसको अंदर। वो आते और कान में कुछ बात करते, अच्छा अच्छा सुनते हैं अशोक कुमार, फिर कान में कुछ बोलते हैं, कह रहे वो एकदम ग्रेटिट्यूड अमिताभ बच्चन वापस जाते। तो हमको उस दिन ये लगा कि हमको जिंदगी में शायद कोई मेंटर नहीं मिल पाएगा। बाय चांस देखिए छोटी छोटी चीजें कल्चरली कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे काम आती हैं। हमने उस वक्त रद्दी में कुछ 5-6 जोक्स की किताबें, अपनी किताबें बेच के उससे ले ली रद्दी वाले से, ऐसे ही ले ली कॉपी वॉपी जो बेची रद्दी में। और कौन सी क्लास की बात, किस उम्र में? 6th-7th की जो गर्मी 12-13 साल। हमने वो किताबें ले ली और हमने वो किताब पढ़ी ना, तो हमने सारी किताबें पढ़ ली। और जब सारी किताबें पढ़ी तो हमको एक रिदम समझ में आया जोक का क्या है। तो कॉमेडी इज नॉट माय फर्स्ट टैलेंट, इट्स एन एक्वायर्ड टैलेंट। तो इसलिए मुझे सब तरह की कॉमेडी समझ में आती है कि अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब मैंने 4 जोक की किताबें खत्म हुई तो मुझे समझ में कि ये मुझे और पढ़ना है। तो मैं 10-12 उनमें से कुछ किताबें आज तक मेरे पास, ठीक है, तो मैं 10-12 किताबें पढ़ी। तो मुझे एक रिदम जो होता है ना कि 1-2 flip क्या है, जोक का तरीका क्या है, कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सब जब समझना चालू किया। तो फिर जब गर्मियों के बाद जब हम वापस स्कूल में गए तो हम इतने प्रिपेयर्ड थे और लड़कों ने एकदम से एक अलग पर्सनैलिटी नोटिस करी। हमने कसम खाई कि कभी भी किसी भी ग्रुप में अटैच होने की कोशिश नहीं करेंगे। हमने बोला कि हम अपना ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ, अपना ग्रुप, उसका वक्त लगा हमको, पूरा जनवरी, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर निकल गया। पर जैसे जैसे लोग प्यार करते हैं आपको, वक्त मिलता है, फिर उसके बाद हमारे दादा ने कहा कि साहब सितार बजानी है, आज में बहुत टाइम जा रहा है, स्कूल तो बहुत लंबा है, 8 बजे से 2 बजे तक का रियाज तो करता ही नहीं है। पापा ने कहा कि अच्छा अच्छा स्कॉलरशिप की तैयारी करनी है, ये वो 13 साल की उम्र से फिर सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं वैसा। तो फिर हमने स्कूल चेंज किया, तो जो स्कूल चेंज करने का जो मौका था, क्योंकि हमारे अवेयरनेस हो गया था ना, पेनी ड्रॉप मोमेंट होता है जिंदगी, क्योंकि अवेयरनेस हो गई हमको। और वो मेरे ख्याल से वो सत्य एक आपको पहुंचता है कि अब कुछ करना है। वो मौका हमको बड़ा खूबसूरती से मिल गया जब हमने स्कूल चेंज किया। तो वो जो लोगों को मौका 12वीं में मिलता है वो हमको 8वीं में मिला। फिर आपने तो हर बार आप नई स्किल्स के साथ, एक्वायर्ड स्किल्स के साथ एकदम से प्रेजेंट कंडीशन में पर्सनालिटी चेंज, तो थोड़ा सा ऑड लगता है और लोग नोटिस भी कर लेते हैं कि अभी कल तो ऐसा कर रहा था, आज ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो अब जब नए स्कूल में, तो यू कैन बी एनीबडी, राइट, यू कैन बी एनीबडी। तो कैरेक्टर आई चोज वाज टॉकी कैरेक्टर, समबडी वाज ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, ऑलरेडी नॉट बिकमिंग कॉन्फिडेंट, ऑलरेडी कॉन्फिडेंट। क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे ही तो बात करते हैं शुरू से ही, बचपन से ऐसे ही बोल रहे थे। अपना नया रूप देखकर खुद को हैरानी नहीं हो रही थी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट की होता ही है, पर मतलब इट्स डिस्कम्फर्ट इज द ओनली स्पेस यू ऑलवेज विल हैव टू लिव, ठीक है। मतलब आपको जीवन अगर जीना है इस दुनिया में तो वो डिस्कम्फर्ट का ही जीवन है, वो कम्फर्ट का है ही नहीं।
ठीक है, कि वो आपको हर दिन आप, और वो विधि का विधान है वो, आप अगर ज्यादा कंफर्ट में रहोगे तो वो अपने आप डिस्कम्फर्ट में खींचेगा आपको, तो इसलिए हर दिन सुबह मान के चलो कि साहब डिस्कम्फर्ट का जीवन है तो बड़ा कंफर्टेबल टेबल रहता है। लेकिन अभी आप जो एक उसकी बात कर रहे थे ना कि एहसास होने की, तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि जैसे लोग जब कुछ बन जाते हैं और तब बताते हैं कि अरे तब हम पैदल चलते थे इतने किलोमीटर, या बस में जाते थे, या इसके पैसे नहीं थे, तो हम जब वापस मुड़कर देखते हैं तब ऐसा लगता है कि अरे बड़ा संघर्ष का या बड़ा बुरा टाइम था। जब हम उसको जी रहे होते हैं तब थोड़ी लग रहा होता है कि अरे हम कितने गरीबी में जी रहे हैं। मैं और विश्वास लगातार यही बात करते हैं कि हम दिल्ली में जब थे हम बहुत खुश थे, बिल्कुल चिल जीवन था हमारा, सेट था मामला बिल्कुल। हमने उधार में, कल ही उसका फोन आया जो हमको 2010 में इंटरनेट जो लगाता था वो अभी देहरादून रहता है, अरुण नाम है, सीफी करके इंटरनेट का फोन आया, भाई देहरादून आओ तो फोन करना, मैंने कहा बढ़िया, तो हमारा नंबर बहुत पुराना है, हम सबके पास सबके पास है, तो इसीलिए हमारा व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ है, हमारा फोन साइलेंट पर रहता है। हाँ आपको तो पता चल ही गया होगा, तो वो हमारा सब कुछ लॉटरी पे, लॉटरी सिस्टम है, उठाएंगे तो हम चार लोन वालों के भी उठा ले और मिस होना तो ओबामा का भी मिस हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, हमने अपने आप को माफ कर दिया उसके अंदर तो। पर हम कह रहा हूँ कि हम दिल्ली में भी तो खुश थे, हम बहुत ज़्यादा खुश थे, हम बहुत सेटल थे, हमारा बढ़िया दिनचर्या थी, हमको ऐसा लगता था कि बस कुछ हो ही जाए, हमारा तो कुछ हो ही जाएगा, हमको बस एक ही अफसोस था, एक डर था हमारा कि कर तो हम सब लेंगे पर उम्र निकल जाएगी, देर हो जाएगी, हुजूर आते आते बहुत देर कर। हाँ, ऐसा हुआ नहीं आपके साथ, ये हुआ नहीं, इसी को हम सेलिब्रेट करते कि भाई टाइम रहते तो वो सारे जो बूढ़े लोग जो अपनी उम्र में बिहेव नहीं करते हैं और उनको जो क्रिटिसिज्म था, तो हम बड़ा डिफेंड करते थे उनको सेटिंग्स में, क्योंकि हमको लगता था ये वो लोग हैं जिनको सही टाइम पे मिली नहीं चीजें, तो बेचारे आप कर रहे हैं तुमको क्या प्रॉब्लम, हम फ्यूचरिस्टिकली अपने आप को डिफेंड, हम भी इस सिचुएशन में, तो क्या पता हम ऐसे फैले तो हम उनको डिफेंड करते थे कि नहीं नहीं, अरे यार किसी इंसान को जब जो मिलेगा हर वो तभी करेगा ना यार, अब नहीं है मिली उसको बचपने से मर्सिडीज, वो क्यों अब वो खोलेगा, शुक्र है आपने मर्सिडीज का नहीं मिली पे, मुझे लगा कि कुछ प्रेम रेम की भी बात हो सकती, नहीं मिली अपने टाइम में, देर से मिली। हाँ वो भी गलत नहीं है, मतलब ठीक है जिसको जैसा, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति, मतलब अभी आपकी दिल्ली पर आएंगे, इंदौर से जुड़ी एक दो बातें रह गई हैं, कॉलेज क्यों आपने छोड़ दिया, कॉलेज पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? एक तो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, ऊपर से फैल बहुत गए थे शहर में फैल गए थे, प्रॉपरली फैल गए थे, जो भी एक लड़का, मैक्सिमम जो लड़का फैल सकता है वो वैसे फैल गए थे, बर्थडे पे होर्डिंग पे आ गए थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जाकिर भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उस तक पे आ गए थे, तो वैसा था, तो और वो अब तो मैं अभी मैं इंदौर जब गया था, अभी जब घर में पिटाई नहीं होती हुई तो तभी तो हुई, हम बहुत पुराने इंटरव्यू में नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर तो हमको पता नहीं था कि हमारे पापा की इतनी जान पहचान है, पापा इतना बड़ा परिवार, इनका साथ तो ये लोग भाई हैं, छोटा सा चेहरे कहाँ बच के जाएगा आदमी, है ना, और मुझे साल भर किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ कॉलेज मैं उसमें निरंकुश लड़का फैल गया, और ओवर कॉन्फिडेंस भी तो कोई चीज़ है ना दुनिया में, तो जब मैं साथियों से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कराऊँ तो कॉलेज में आके तो मैंने नया ही कुछ बोल दिया कि साहब हम तो बहुत ही ज़्यादा बड़े परिवार से आते हैं, और हम तो मतलब म्यूजिक का कुछ बोला नहीं किसी को, ठीक है, तो लोगों को बड़ा ये था कि भाई ये कोई बहुत बैक वाले लड़के हैं जिनके बहुत ज्यादा जान पहचान है भाई लाइफ में, ये कुछ भी करवा देंगे कभी भी, मतलब ऐसा उठवा देंगे, हाँ हाँ और कुछ नहीं है, हम माँ पापा गर्ल्स स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं, दादा हमारे हॉलीडे काम करते हैं, हमारे घर वालों ने किसी को तू नहीं कहा है, ठीक है, और हमने ये भौकाल हमारा बना दिया है, बिल्कुल इंदौर में मान रहे हैं लोग भौकाल हमारा, तो हमारे पापा को किसी ने बोल दिया कि लड़का चौराहे पे, बिल्कुल ये तथास्तु में भी मैंने कहा, चौक पे रेड लाइट पे एक आदमी, हाँ जो हमको भी जानता था और हमको नहीं पता था कि वो पापा को बचपने से जानता है तो ना कि कालांतर में तो नहीं मालूम होता, उन्होंने बोला कि अरे वो पापा को नाम से बोला और हमको बोला खान साहब और वो पापा को तो झटका लग गया, ये क्या हुआ, तो उन्होंने फिर बोला कि अरे बोले लड़का बहुत डायनामिक है तेरा, बहुत नाम होगा इसका दुनिया में, देखना थाना कोर्ट कचहरी हो जाए तो घबराना मत, ठीक है। ओह माय गॉड, पापा ने हमको थोड़ी देर साइड में उनसे बात करी, जो दो थप्पड़ तो वहीं लगाए, फिर हमको ले गए दूसरे कॉलेज एडमिशन कराने कि ये कॉलेज में तो तुम्हारा सही नहीं है, दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा तुम, दूसरे कॉलेज में हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे, पापा ने अपना स्कूटर से चढ़ाया और हमको हम तेरे नाम के बाल थे हमारे, तो वो हमारे चंपू बाल करवाए और बोले कि ये सब ये गंदे हेयर स्टाइल की वजह से होता है ये सब सब, ठीक है, अपना स्कूटर पापा खड़ा कर, अब पापा 20 किलोमीटर दूर ले गए हमारे कॉलेज से, ऑलमोस्ट शहर का आखिरी कोना है वो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़ी जानते, उनको क्या पता कि
कि कहाँ कितना फैल चुके कितना फैल चुके तो वहां पे हमारे पापा ने ऐसे करके स्कूटर खड़ा किया, इतने में हमारे पापा यूं पलटे और हम तो खड़े थे, वो टू व्हीलर पार्किंग थी ना, से दो बीच में गली सी खाली है, दोनों तरफ टू व्हीलर, तो ऐसे करके हमारे पल साहब पलटे और इतने में जिस कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे वहाँ के दो फर्स्ट ईयर के लड़के, उन्होंने मुझे देखा और बोला अरे जाकिर भैया चरण स्पर्श। हाँ पापा ने वही मारना कर दिया हमको, तो उन्होंने चाचा विधायक में भी हमने ये लाइन यूज़ करी, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, मेरे को बेटा भी साधारण चाहिए जो काम पे जाए और वापस आ जाए। ये सब नहीं। हाँ तो इसलिए कॉलेज छोड़ के दिल्ली आया। तो मतलब दूसरे कॉलेज में तो जाने से पहले ही नाम लिखने से पहले कट गया? बिल्कुल। फिर हम उनका कि क्या करना है, कहीं भेज दो इसको, ये वो फ्लैट, इनका घर में भी बड़ा डिस्कशन हुआ। तो हमने बोला कि तो हमारे कॉलेज में कुछ रेडियो कॉम्पिटिशन सा हुआ था जिसके अंदर, तो कॉम्पिटिशन रुकवा दिया कि जब तक मैं नहीं पहुँचूंगा तब कैसे चालू होगा, मैं पहुँचूंगा ना तभी तो चालू होगा। मतलब ये वो भौकाल वाला चल रहा था। हाँ कि अब मैं आऊंगा फिर चालू होगा ना, हम पहुंचे फिर वो चालू हुआ। तब तक ये वाला कॉन्फिडेंस बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका, ओवर कॉन्फिडेंस, लोग मुझसे मिलेंगे आज ही मैं बेस्ट इंसान हूँ। कोई मेरे दोस्त ने मुझे बोला, कृष्णकांत है मेरा बहुत बिल्कुल घनिष्ठ मित्र, उसने बोला कि भाई तेरे बारे में कोई बोले इंदौर का, भाई तेरे बारे में कोई बोले कि तू घमंडी हो गया तो उनकी हमसे बात करा। हम बताएंगे अब सही हुआ, पहले तुम मिलते तो तुम बात नहीं करते, तो वो सब कर करा के अब हम थोड़ा अब जाके हम तहजीब तमीज सलीका ये सब बाद में, दिल्ली में थोड़ा सा बहुत फ्रैक्चर हुआ, बहुत हड्डियाँ टूटी हैं दिल्ली में बहुत, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबको दिल्ली और मुंबई से शहर आपका ईगो सब एकदम सेटल कर देता है, तो वो सेटल हो गया हमारा। ये बताइए आप अपने स्टैंड अप उसमें बहुत लड़कियों का प्रेम का इश्क का जिक्र करते हैं, तो पहला प्यार तो इंदौर में हो ही गया होगा? हाँ जी क्यों नहीं। तो पहले प्यार सीरियस वाला कॉमेडी वाला नहीं हो, अच्छा पहले प्यार की बात बताइए, मनगढ़ंत नहीं कि अभी अभी कहानी लिखी सुना, मुझे पता है आप ही कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी बना लेंगे जल्दी से जाने के लिए। नहीं, ताजा गरम गरम पहला प्यार आ रहा है अभी, उतरा है कड़ाई से सा। नहीं वैसा है कि हमको मेरे ख्याल से कभी भी किसी जादूगर से ये ना पूछे कि ये जादू था कि ट्रिक, ठीक है। सही। तो वैसा है कि सुंदर रहा है, हम जितने भी जो लोग हमारे जीवन में आज तक रहे उन्होंने हमको बहुत प्यार से रखा। अरे जो भी मतलब कितने मतलब मुझे लगता था आप सिर्फ कॉमेडी में ऐसे इतने सारी संख्या बोलते हैं। नहीं ऐसी क्या बात है, कितनी बार कितनी बार दिल टूटा और मतलब ये आपने तोड़ा, अभी ये भी एक सवाल है ना, जरूरी थोड़ी आप ही का टूटा हुआ, हमारा दिल तो बहुत कम बार टूटा है, आपने तोड़े ना। हाँ एक रजत करके लड़का है कॉमेडी करता है वो भी, उसका एक शेर है कि बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। अच्छा बदला लिया? नहीं कोई बदला वाला हमने किसी से कोई बदला नहीं। तो चलिए पहला सीरियस वाला बता दीजिए, उसमें आपका टूटा या आपने तोड़ा? ना हमने तोड़ा ना हमारा टूटा, हमको ऐसा लगता है कि क्योंकि हम बहुत एक यात्रा पे हैं लगातार, मैं सवाल आपको ऐसा लग रहा हूँ कि मैं डॉज कर रहा हूँ पर मैं बहुत ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ उसका, क्योंकि हम यात्रा पे हैं हर बार। नहीं हम पत्रकार हैं, हम डॉज होने नहीं देंगे। हाँ तो नहीं हम यात्रा पे हैं तो बहुत जल्दी हम जीवन में हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ग्रो कर रही है, इवॉल्व कर रही है। वैसा वाला है ना कि एक जब कॉलेज में थे तो हमारी जो उस वक्त जो हमसे मतलब हमारे जिनसे रिश्ता था जब स्कूल में थे हम, तो वो किसी बहुत महंगे ब्रांड की जीन्स की कंपनी में नौकरी करती थी वो लड़की, ठीक है। बाद में हम जब गए तो फिर हम मतलब तरह तरह के लोगों से हम मिले हैं, मतलब हम बड़े से बड़े घर के हमने लोग देखे हैं और वो सब। तो एक हमारा जो सर्कल भी है वो बहुत इकोनॉमिक स्लैब भी बहुत जल्दी बदलता है। क्या है कि हमने शहर बहुत बदले, हमने जगहें बहुत बदली, हमने स्कूल भी बदले बहुत सारे, तो उसमें हमको बहुत सारे लोग मिले और उन्होंने हमको बहुत प्यार किया। और मैं उस हर जिंदगी के इंटरेक्शन की, हर मोहब्बत की इज्जत करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत में पहला दूसरा तीसरा पांचवा छठा नहीं होता, हर उम्र का प्यार अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। 40 में हुआ प्यार भी बहुत खूबसूरत है, 35 का प्यार 35 के नियम के हिसाब से खूबसूरत है, 17 वाला अपने हिसाब से ठीक है, 13 वाला की अपनी खुशबू है उसकी, पर वो कोई भी किसी से जीता हुआ नहीं है, उसकी अपनी अहमियत है। तो इसलिए मैं किसी एक किस्से को सबसे ऊपर रखकर बाकी सबको नीचे नहीं करना चाहता, वो बल्कि वो रुसवाई होगी हर उस रिश्ते की जो मेरे साथ रहा। लेकिन फिर मतलब अभी तक कोई भी एक ऐसा रिश्ता जीवन में नहीं आया कि लगा कि बस दिस इज इट, यही हर बार तो वैसे ही लगता है मैं तो कहना चाहता कि आप जब किसी, ये तो कितनी बेईमानी होगी कि आप किसी के साथ हो और आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट इट,
तो जब भी किसी से मोहब्बत हुई है तो लगा ही कि दिस इज इट, वो नहीं हो पाया वो अलग बात है, वो मेरा ऐसा मानना है कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, जब उम्र हो जाती है तो रिश्ता पूरा हो जाता है, और कुछ रिश्ते होते हैं जो ताउम्र आपके साथ चलते हैं, तो कुछ ताउम्र वाले हैं, कुछ लोग होंगे जिनके साथ आपका चालू भले ही वो किसी भी नोट पे हुआ हो, रोमांटिक नोट पे हुआ हो, फ्रेंडशिप के नोट पे हुआ, पर उस फ्रेंडशिप का रोमांस रहेगा ताउम्र, और उस रोमांस में फ्रेंडशिप रहेगी ताउम्र, और वो दोनों की इज्जत करना, उसके एहतराम करना, उसकी मोरालिटी की रिस्पेक्ट करना, वो दोनों तरफ से आएगा, अगर एक कोई आदमी अगर फिसल भी रहा है तो दूसरे को संभालना चाहिए उसको, ठीक है। तो वो हमने बहुत उसका अहद हमारा बहुत पक्का है, हम ऐसे ही सख्त लौंडे नहीं कहलाते, ठीक है। आज भी सब मतलब ज्यादातर कोई बैड नोट पर कोई रिश्ता आपका खत्म नहीं, कैसे मतलब वो कैसे ही हम मतलब कह सकते हैं कि कैसे बैड नोट पर खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ, आपकी तरफ से? हमारी तरफ से तो कोशिश रहती कि नहीं हो। चलिए आपको कुछ मैसेजेस सुनवाए जाए, आप ये तो नहीं सोच रहे कि वो सब लड़कियों, यहाँ से शुरू करते हैं। एक दिन सब हमारे घर पर बैठे थे, मेरे ससुर और मेरे जेठ देवर सब बैठे थे, तब मेरे ससुर कहने लगे अब तो ये बड़े हुए मेरे देवरों के लिए, किन के लिए लड़की ढूंढना पड़ेगी। तो पहले तो जाके बैठा बैठा, छोटा सा था 3-4 साल, बैठा बैठा सुन रहा था, और फिर आकर मेरे पास आया कि हमें लड़कियां की इतनी कमी जो मिलेंगी नहीं, चाचा जी के लिए ढूंढना पड़ेगी लड़कियां अपने को, बाहर जाओ कितनी तो लड़कियां घूमती रहती हैं, लिया हो कर दो शादी, मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं तो पापा की स्कूल जाऊंगा, वहां से लिया हूँ लड़की। तो मैंने मुझे उसकी बात सुनकर हंसने लगी, मैंने कहा इसको ये नहीं पता कि कौन सी लड़की कैसे ढूंढना पड़ती है, उसको तो ये एहसान लग रहा था कि बाहर जाओ लड़कियां मिलती हैं तो लिया हो। तो बच्चे तो बच्चे रहते हैं, मासूम मासूम रहते हैं, उसको थोड़ी पता था कि रिश्ते नाते कैसे होते हैं, आज देखो वो सख्त बना बैठा है। तो पापा के स्कूल में गए तो नहीं कई बार कोई लड़की? ये एक जिंदगी का मेरा अफसोस है, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो पापा के स्कूल से जो है वो आधा किलोमीटर दूर है, और मेरे स्कूल के मेरी क्लास के हर लड़के का ख्वाब ये होता था कि उस स्कूल जाना है, एक अकेला मात्र लड़का जो उस स्कूल में जाके भी जिसको तहजीब तमीज रहना पड़ा वो मैं हूँ, मेरे को मैक्सिमम एक्सेस और मिनिमम यूटिलिटी था मेरा। जहाँ मेरे स्कूल के लड़कों को सामने से गुजरना भी उनके लिए बड़ी बात होती थी कि यार आज तो मजा आ गया साहब, ये छोटे शहरों में सब छोटे शहरों की कहानी कि निकल गए थे उधर से, ये भी वो चाहे बिचारी पढ़ रही हो तीसरी बिल्डिंग की, ग्राउंड का व्यू उसका रोड का व्यू भी नहीं है, पर इनको तेज बाइक पे निकल के मजा आ गया था इनको। तो उस स्कूल से पढ़ने के बावजूद हम जब गए तो हम साहब हम अंदर तक गए, पर हमारी मतलब क्या कर सकते, मतलब अरे पापा यार मतलब आप ये भी तो देखो, तो ये तो नहीं कर पाए जिंदगी में, ये एक काम रह गया। जाकिर के बारे में क्या क्या बताऊं मैं, बहुत सारी चीज़ है बताने में। जब ये छोटा था तो जैसे कि बच्चा अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, तो ये हम उम्र के साथ में ऐसा लगता था जैसे उनका लीडर है, उनका चौधरी है, तो ये हमेशा ना अपने से बड़े उम्र के बच्चों के साथ खेलता था, या फिर हम लोग बैठे बड़े लोग तो उनकी बातें सुनना बड़ी ध्यान से सुनता था। और जैसे कि मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, सितार बजाता हूँ, स्टूडियो में ले जाता था इसको, तो वहाँ पर रिकॉर्डिस्ट से पूछना कि बार बार कि ये बटन अंकल क्या होता है, इससे क्या होता है, इसको आगे करने में क्या होता है, पीछे करने में क्या होता है। मेरे म्यूजिशियन साथियों से पूछता था उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसकी जिज्ञासा रहती ना बहुत जानने की, इसके अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइवर से की सीट इधर क्यों नहीं हो सकती, इधर ही क्यों है, सो मैनी क्वेश्चंस, कभी कभी तो ऐसी खींच आती थी यार क्या फालतू के सवाल करता रहता दिन भर। मैंने सोचा नहीं यार, मुझे इसके सारे सवालों का बहुत ही ईमानदारी से और समझा के जवाब देना, तो मैं कोशिश करता था ये जो पूछता था जो भी सवाल करता था उसके बार बार बताना उसको सही ढंग से। तो मुझे कभी लगता था यार दूसरे बच्चों की जो ग्रो करना है इसके ग्रो करने में बहुत सा फ़र्क था, मतलब ये बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत तेज ग्रो कर रहा था हर चीज़ के बारे में जानना। तो मुझे कभी कभी स्ट्राइक होता था कि यार ये आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो मैं इसको बोला करता था तू देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और वो किसी मकाम तक तो पहुँच ही गए हैं, और आगे भी ऊपर वाले का कर्म आसान रहा तो तरक्की करें जाकिर। देखा आपने किसी मकाम तक, अभी उस मकाम तक नहीं बोला वो, ये मौका था वहां बोल सकते थे वो।
आप वेट कर रहे थे हाँ कि क्या पता इस वीडियो में बोल दिया उन्होंने नहीं बोला मुकर गए वहां से डल कि किसी मकाम तक तो पहुंच गया एक मेरे पापा की मैं आपको सॉरी इट्स वेरी इमोशनल फॉर्म थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस मैंने मेरे पापा को मेरे बारे में बात करते हुए कभी सुना नहीं है ठीक है ना मैंने बस सुना है कि मेरे पापा बहुत बात करते हैं मेरे बारे में और मेरे सामने कभी उन्होंने किसी और पर एक चीज़ जो मेरे वालिद साहब की जो मुझे बहुत याद आती है वो है क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से कमाने लगा था तो रात को काम ही म्यूज़िक का है रात भी रात का काम है कभी 2 बजे आ रहे हैं कभी 3 बजे आ रहे हैं और 6:30 बजे उठ के 7 बजे निकलना है 7:30 बजे पहुँचना है स्कूल के स्कूल टीचर का तो यही स्केड्यूल है फिर 8-9 बजे काम पूरा स्टूडियो भी म्यूजिशियन भी हैं फुल टाइम टीचर भी हैं तो जितनी जगह भी मैं जिंदगी में बजाया हूँ जो भी मैंने परफॉर्मेंस करी है रोज रात को 3 बजे उठ के पूरा डिटेल में कि क्या हुआ बता शुरू से बता फिर क्या हुआ वापस आने के बाद वापस आने पूरा सुनते थे और मेरे को ये हुआ फिर उसने मुझे ऐसा बोला मैंने उसको ये बोल दिया उसने जैसे बोल दिया बहुत बढ़िया फिर क्या हुआ और तूने क्या बोला अच्छा अगली बार सुन के मत आना जवाब दे के आना और एक चीज़ जो मेरे वालिद साहब ने कभी करी कि मुझे किसी के सामने डांटा नहीं उन्होंने मेरे पापा बहुत कम बात करते हैं तो कभी जैसे लोग शिकायत करने आएंगे ना कि अरे साहब फलाने के सामने ये बोल दिया ढिमके को ये कह दिया तो हमारे वालिद साहब ने कभी भी हमको किसी के सामने नहीं डांटा कभी नहीं बोला कि डिफेंड किया हमेशा नहीं नहीं डिफेंड नहीं किया किसी के सामने नहीं मारा अच्छा हाँ किसी के सामने मारा तो बहुत किसी के सामने बेइज्जती नहीं करी हमारी कि शिकायत सुन ली कि हाँ मैं बात करता हूँ उससे हमको जो हमारे साथ करना था वो हमारे साथ किया पर किसी के सामने 4 लोगों में बेइज्जती नहीं करी हमारी तो ये एक मुझे बड़ा एहसान लगता है उनका कि कर भी सकते थे वो हम मना नहीं कर पाते और आज भी हमको उसका भी कोई ग्रेज नहीं होता पर उससे कॉन्फिडेंस बना रहता है कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में है ना हम क्योंकि स्कूल हेड बॉय भी रहे बहुत हम पोजीशन पे बैच होल्डर्स रहे हम बहुत अपने स्कूल में बच्चों के साथ बहुत काम किया मैंने और बहुत काम आता है मुझे कि स्किल बहुत एबिलिटी तो वैसा है कि 5-10% ही है 90-95% इज कॉन्फिडेंस एक और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो मुझे लगता है कि तो पेरेंटिंग का लेसन है उन्होंने कहा खींच उठती थी कई बार इतने सवाल पूछता था लेकिन फिर लगता था नहीं जवाब देना सब बातों का जवाब दिया है ना ये कितनी बार हम ही कह देते सब लोग इरिटेट हो के अच्छा चुप रहो बहुत हो गए तुम्हारे सवाल वो नहीं किया उन्होंने मेरी हर बात का जवाब दिया और ये मैं गवाही देता हूँ इस बात की उन्होंने मेरी हर बात का जवाब लेकिन सबसे अच्छी तो वही बात थी किसी मुकाम तक पहुंच गए आज कह सकते थे आज वो उस मुकाम तक पहुंच गया आज का तो दिन बन जाता ना जी ना मेरा दिन मैं तो इंदौर जा रहा था वापस की हो गया चलिए थैंक यू हो गया मुकाम पे पहुंच गए कुछ तस्वीरें दिखाएं आप खुद बताइए जगह आप पहचानते हैं जरा स्वाइप करते जाइए इस तरह अरे ये गर्ल्स हॉस्टल के सामने एक मंदिर है इसमें बहुत काम किया हमने बड़े भंडारे खिलवाए यहाँ पे इस चक्कर में कि सामने पता है जी जी क्या याद आता है या कौन याद आती है जिस तस्वीरें देखकर ये गार्डन है हमारा इसमें बैठे रहते थे हम ये तो अब थोड़ा सा बेटर हो गया पहले तो सिर्फ खाली लैंड स्पेस था हाँ देख लिए हम पहचान गए सब जी 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 यहाँ पे किस्सा यहाँ का किस्सा ये कि हम एक गर्ल्स हॉस्टल था हमारे कॉलेज का इस मंदिर के सामने अब तो वो हॉस्टल नहीं है अब तो वहाँ अपार्टमेंट बन गया एस के गर्ल्स हॉस्टल नाम था उसका तो हमारा हमको जहाँ ए टू बी जाना होता था और ये सी पॉइंट पे था तो हर बार जो ए टू बी हम जा रहे हैं तो वाया सी जा रहे हैं तो मतलब हम बाय हैबिट कि वो हॉस्टल खाली है उसमें कोई नहीं है गर्मी की छुट्टियां हैं हम लोग मिलने आए तो भी हमको ए टू बी अगर जाना है तो हम वाया सी ही जाएंगे कि वो आदतन रूट है वो रूट ही वही है तो ये हमने बहुत अपना टाइम खराब किया इसके ठीक सामने हमारा एक दोस्त रहता था आशीष जिसका छत का कमरा था ठीक है तो वो पंचायत हम उसको बोलते थे कि सारे इश्यूज जो रिजॉल्व हम लिमिटेड कैपेसिटी में जो हमारे होते थे बड़े बड़े जो इश्यूज कश्मीर का मुद्दा वगैरह जो हमारे लिमिटेड होते थे वो वहाँ डिस्कस होते थे पंचायत छत पे पूरी चलिए एक और बहुत स्पेशल मैसेज तो भाई के बारे में अगर बात करनी है तो मैं मुझे लगता है मैं 2-3 दिन सलंग बात कर सकता हूँ फिर भी मेरा काम सलंग इंदौरी है जो बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं बहुत लोग हार्डवर्किंग होते हैं बट मुझे ऐसा लगता है भाई एक वो शख्स हैं जो कि टैलेंटेड हैं और एक्सट्रीमली हार्डवर्किंग तो ये कॉम्बिनेशन उनको बहुत अलग बनाता है
बट ओवर एंड अबव जैसे भाई कभी भी अपना सेट जो है स्टैंड अप का वो लिखते नहीं हैं, सब उनको जहन में याद रहता है। उनके पास आज की तारीख में 3 से 4 स्पेशल तैयार हैं जो कि 2-2, 2.5-2.5 घंटे के। इसका बहुत एक अमेजिंग एग्जांपल जो मुझे याद है कि एक बार मैं मीटिंग में गया था भाई के साथ में, किसी बड़े चैनल की मीटिंग थी और हम उसमें बैठे थे और वहाँ पर वो जो शख्स आया था वो बोला कि भाई मैं आपसे फ़्लाइट में मिला था और मेरी आपसे बात हुई थी, आपको याद तो नहीं होगा, और ये कुछ 4-5 साल पहले की बात बता रहा था वो शख्स। और भाई ने मतलब आई एम सिटिंग देयर और भाई ने एकदम बोला कि हाँ मुझे याद है हमारी ये बात हुई थी, आपने इस कलर की टी शर्ट पहनी थी, आपने ये पहन रखा था। तो मुझे लगता है टू हैव दिस काइंड ऑफ अ मेमोरी इज़ वेरी इनक्रेडिबल, ये मैंने नॉर्मल लोगों में नहीं देखा और आई विश मेरे पास में होती है क्वालिटी। या दिस इज व्हाट आई अडोर एंड आई विश आई हैड दिस क्वालिटी ऑफ हिम। थैंक यू वेरी मच, इट्स रियली स्वीट। एक कॉमन थ्रेड लगा तीनों के मैसेजेस में, आप विलक्षण जिसको माने बोलते हैं ना बच्चों में, कुछ कुछ अद्भुत आप हमेशा से थे, चाहे मम्मी ने कुछ और बात कही, पापा ने कुछ और कही, भाई ने कुछ और, लेकिन डू यू फील यू हैव ऑलवेज बीन अ ब्लेस्ड चाइल्ड या एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाइल्ड? यस आई थिंक आई हैव, या आई थिंक वो रहा है हमेशा। मुझे एक चीज़ और ये भी लगी कि मुझसे मेरे परिवार बहुत प्यार करते, आज से नहीं करता। अगर बचपन में भी अगर मान लीजिए कि अगर वो वाला होता कि एक कमरे में एसी लग सकता तो शायद वो मेरे कमरे में लगता ना। उसी भरोसे का ही रिटर्न है जो मैं आज उनको देने की कोशिश करता हूँ, मेरे सही फैसले गलत फैसलों में, अच्छे बुरों में। ज़ीशान खासकर के बारे में बात करना चाहूँगा कि ही इज़ अ वेरी गुड लीडर एंड ही इज़ एन अमेजिंग नंबर टू। देर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु आर नंबर टू, दे आर फेल लीडर्स। He is a great leader and great leaders fail to be a good number two. वो दोनों है वो लड़का, है ना। और दूसरी बात कि जब हम घर पे होते हैं तो खैर कि हमारे घर में आदत का बड़ा सीन है, छोटे बड़े का बड़ा लिहाज है। एक बार ज़ीशान को मैं मार रहा था और उसने पिटते टाइम ऐसे किया, ऐसे बचने के लिए, बड़े भाई पे हाथ, ठीक है। तो ये तो एक्शन हो गया ना, ये क्या बात है। तो मैंने मारना बंद कर दिया, मैंने बोला तूने हाथ उठाया अभी। पूरा उसने सॉरी बोला, पीछे पीछे घूमा, मम्मी को बोला, मैंने कहा इसने हाथ उठाया मेरे पे, मम्मी पापा सब सब हो गए, ये बड़े भाई हाथ उठा, बड़े भाई हाथ उठा, ये हमारे भी होता था। हाँ कि भाई आप थप्पड़ खाओ यार, है ना, ठीक। मुझे एक बात भाइयों भाई बहनों के बीच की जो बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये कि मारा हुआ भूल जाता है, बेवकूफ फील कराया हुआ नहीं भूला जाता। आप छोटा कम अकल अगर महसूस कराएंगे अपने सिबलिंग्स को, ट्रिक अगर आप करोगे अपने भाइयों को बहनों को, वो नहीं याद रहता, वो नहीं भूला जाता, वो याद रहता है। हमने ज़िंदगी में हमने भाइयों को मारा बहुत है, पर हमने कभी भी उनको कि क्योंकि 1-2 साल में समझदारी का बड़ा फ़र्क हो जाता है, 3 साल में समझदारी का बड़ा फ़र्क हो जाता है। आप बहुत ईजिली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में यह हद किया कि हम ये नहीं करता मैं कभी भी, तो मैं अपने भाइयों के साथ ये नहीं करा। मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई चॉकलेट अकेले नहीं खाई, कभी भी नहीं खाई, हमेशा मैंने बांटी। शायद उसी का अज़र मुझे ये मिला कि जब वो 5-7 साल जो मेरे जैसे लोग हैं, है ना, बाकी तो अपना बहुत बड़े ऐसे किसे बहुत लोग पूछते हैं कि अब आपको कैसा लगता है, और आप मेरे पुराने मिले हुए लोगों से पूछोगे ना, किसी को आप इन लोगों को, उनको किसी को कोई डाउट नहीं है। मुझसे पूरे स्कूल में किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या करोगे, सबको लगता था कुछ ना कुछ कुछ करेगा, कर लेगा, वो कर लेगा, ठीक है, तुम अपना सोचो, तुम बाकी अपना देखो। वो जो फेज रहा पूरा, जो दिल्ली का पूरा फेज रहा, उसमें मम्मी पापा तक को हो गया था कि हो गया खेल खराब, ज़ीशान ने नहीं हंसा छोड़ा। अच्छा, उसके पास मौका था कि वो छोटे से बड़ा हो सकता था, वो नौकरी करता था पुणे में, उसके पास पूरा मौका था कि वो कर देगी, ठीक है यार भाई, ठीक है। बट उसने बड़े का सम्मान, उसने मेरा मान रखा, उसने मेरा पूरे टाइम, उसने पूरे वक्त, मेरे को याद है ज़ीशान जब दिल्ली आया था, और मैं बहुत कम उम्र से कमा रहा हूँ, मेरे पास बहुत कम उम्र से पैसे हैं, 12 साल की उम्र से मेरे पास पैसे हैं, तो मेरे को जेब में हाथ डाल के देना आता है, बस यही आता है मुझे। तो ज़ीशान एक बार बम्बई दिल्ली आया था उस वक्त, तो मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, तो वो मुझे आज तक याद है, वो ना एम्स के ठीक सामने पंजाबी ढाबा है, उस यही नाम उसका पंजाबी ढाबा, हाँ वो जो दवाइयों की दुकान है उसके जस्ट पानी, पहली जो दुकान, वो जो सफदरजंग वाला जो खत्म होता है बस स्टॉप के बाद, पहली जो दुकान है वो ये उन्हीं की, तो वहाँ जाके देखूंगी। 280 रुपये का बिल है, मुझे आज तक खलता है वो मेरे पैसे,
वजन की तरह उसने जिशान ने दिया था, क्योंकि वो मुझे मतलब छोटों को थोड़ी छोटों को तो खिलाते हो ना, उनका थोड़ी खाते हो आप, बिल्कुल पैसे नहीं बन नहीं थे बहुत सारे दिन थे जितने नहीं थे, क्योंकि घर पे तो बोल दिया था कि नौकरी लग गई, वरना घर वाले क्यों रखने देंगे आपको, कमाते आप हो कैसे रहने देंगे कमाते हो आप, आपकी नौकरी लग सकती है, आप आराम से 20-30 हज़ार रुपए के आदमी हो आप, घर में 20-30 हज़ार रुपए आएंगे बहुत काम हो जाएंगे, है ना, गरीब परिवार में आप इंसान को एज हेल्पिंग हैंड देखते हो। सही बात है, ठीक है, वो छोड़ के आप बोल रहे हो मुझे दिल्ली रहना, कुछ हो भी नहीं रहा और ऐसा कुछ फ्लेकी काम है, कुछ हो ही नहीं रहा है ढंग से। तो जिशान का तो जब मेरी नौकरी लगी पहली बार तो मैंने जिशान को फ़ोन किया, तब उस वक्त जो भी जहाँ भी उसकी कोई दोस्त वोस्त थे उसके, उसकी एक दोस्ती तब, तो जिशान को मैंने फ़ोन किया नौकरी के पहले दिन करने के बाद, कि मेरे को इतना हो गया था, इतना जिंक्स हो गया था, 4 साल हो गए थे कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा था और ऐसा होता अब लगने वाली निकलने वाली, तो मैंने जब लग गई बैठ गया पहले दिन ऑफिस चला गया, उसके बाद मैंने जिशान को फ़ोन करके बोला कि जिशान यार नौकरी लग गई, और उसकी तनख्वाह बहुत कम थी जिशान की, तब मेरी तनख्वाह क्योंकि दिल्ली में काम कर रहे हो आप तो थोड़ी सी ज़्यादा थी उससे। तो उसने फ़ोन पे बोला क्या यस पता है भाई, मेरे को ना सब लोग मेरे दोस्त बोलते थे कि यार भाई का कुछ नहीं हो रहा, भाई कुछ कर नहीं रहा, मैंने बोला था कि देखना भाई का जिस दिन होगा ना मेरे से भी ज़्यादा तनख्वाह होगा, और यार भाई आपने प्रूव कर दिया भाई कितना सेल्फलेस लव है, वो कह रहा है मुझसे ज़्यादा की लगी, हाँ कोई बराबरी नहीं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बराबरी, मेरे भाई मेरे से बिल्कुल बराबरी नहीं करते, मैं सो रहा था इंदौर में, रबड़ी मुझे बहुत पसंद है तो मेरे पापा लेके आते हैं अगर मैं रहता हूँ घर पर, तो जिशा अरबाज बाहर से खेलता हुआ आया, मैं सुन रहा हूँ है ना, उसने फ्रिज खोला उसने बोला रबड़ी, और मैंने बोला भाई आया हुआ, उसने फ्रिज बंद करा और गाना गा रहा था और गाता गाता ही बाहर चला गया, तो सबसे छुटा कोई वो नहीं है कुछ नहीं है, हायरार्की प्रॉपर है हमारे घर में, इक्वालिटी में हम बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी, और उतना ही प्यार मैं भी करता हूँ उनसे, वो भी करते हैं मुझसे। एक बार बताइए, यही सवाल भी मेरे मन में आया कि इंदौर क्यों छोड़ा, अपनी जड़ों को छोड़कर क्यों निकले, और अब्बा जी थे उस समय, परिवार ने क्या रोकने की कोशिश की, और जब मैं सवाल किसी से पूछती हूँ ना जाकिर, तो मुझे याद आता है जब मैं झांसी छोड़ के निकली थी, आसान नहीं होता वो लम्हा बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है बस कहीं से उखड़ जा रहे हैं। शायद वसीम साहब का शेर कि कुछ तो है जो घर का आनंद नहीं पाता, यूँ नहीं सफर में होता कोई, एक तो शायद वो हो गया था, दूसरा सितार बजाने में भी हमको बहुत वो हो रहा था, हमको लग रहा था कि बहुत लंबा सफ़र है, बहुत दिन लगेंगे, बहुत ढीला काम है, क्योंकि क्या है कि छोटे होते हो तो आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा होता है एक स्कॉलरशिप पे लेके 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 ले, अब आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि अब खुला, अब स्लो धीमी गति के समाचार में आप जा चुके हो, क्योंकि पॉलिटिक्स जैसा है ना, 50 साल के यंग म्यूजिशियन कहलाओगे आप। सही बात है, ठीक है कि हाँ वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं लोग, पैसे भी उतने नहीं है ना, छोटा काम अगर आप श्रोता भी नहीं है, श्रोता नहीं है उतने, और मतलब हम जिस वर्ल्ड में, और ऊपर से एक कंटिन्यूस ग्रोथ थी पर्सनैलिटी की, ग्रोथ हो रही थी कि हम बात है ना, वाक चपल व्यक्ति अगर आप हो तो आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि अभी बोला अभी आपने रिएक्ट किया, अभी बोला अभी आपने हंसा, तो इसमें बड़ा हमको हाई आ रहा था, तो हमको बड़ा वो लग रहा था कि अरे यार क्या है यार, तो क्या है ये इतना स्लो काम, कोई सुनता भी तो नहीं है, किसी को क्या पता, किसी पूरे कॉलेज में किसी को नहीं पता सितार क्या होता है, लोग हमको देख लेते थे बोलते संगीत बजाता है तू, संगीत थोड़ी बजा पूरा संगीत थोड़ी बजा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे बड़ा वो मेरी गलती रही, मेरी नासमझी रही, कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी रही मुझे उस चीज़ की, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत डिफिकल्ट है और मुझसे होगा नहीं, और मुझे ऐसा लगा कि बाकी इस चीज़ में मुझे बड़ा जल्दी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, जल्दी हो रहा है, क्विक हो रहा है सब कुछ, बात करके कूल होगा, आरजे बनना था ना उस, आरजे बनना था उस, हम गेरे होर्डिंग वोडिंग लगेंगे और ये वो बात करेंगे पर्सनैलिटी, और हमको लगा कि हम इतने अच्छे दिखते नहीं है, तो रेडियो में अगर हम जाएंगे तो कि लुक का कोई सीन भी नहीं है बढ़िया, ठीक है कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम ना रेडियो पे बोलेंगे और बात है तो तुम्हारा भाई फोड़ देगा मतलब वैसा ये कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन अब्बा जी ने रोकने की कोशिश की उस समय, उन्होंने बात करी, उन्होंने भी बात करी, सब नहीं बात करी तब तक, आप अपनी जिद से गए थे, सबकी सहमति नहीं थी उसमें, सब से पहले उन्होंने जब शुरू में मुझे भेजा तब उन्होंने मुझे एज पनिशमेंट भेजा था, मैं बताऊँ आपको ईमानदारी से, ये लोग कोई बोलेंगे नहीं कि उनको ये था कि 3 महीने भेजते, 3 महीने का ही कोर्स था, आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे और वही हुआ है, लेकिन एक तरह से देखा जाए आटे दाल का भाव घर का लाड़ प्यार। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों की परवरिश में एक बहुत मेजर गैप है, जो लड़के हैं उनकी परवरिश में एक माइग्रेशन की ट्रेनिंग है, और क्योंकि अब आप अगर आप बम्बई में रहते हैं तो आपको एलए जाना पड़ेगा है ना, लंदन जाना पड़ेगा, दिल्ली रहते हैं तो आपको जाना सफ़र तो करना पड़ता है ना, घर का कम्फर्ट तो छोड़ना पड़ता है,
लड़कों की ट्रेनिंग नहीं है माइग्रेशन वाली, उस परवरिश के अंदर वो परवरिश का हिस्सा नहीं है। लड़कियों की तो भी एक डर है कि बेटा कल को किसी के घर जाओगे, कैसे रहोगे किसी के घर जाओगे, तो हाइजीन को लेकर हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एक बड़ा एक काम करना भी, घर के काम, घर के काम करने के अलावा भी हाइजीन, अब कैसे आप रहते हो, आप अपना वॉशरूम कैसे यूज़ करते हो, वो सब चीज़ में एक वो समझ है कि भाई किसी और के घर पर ख़राब लगेगा, ये मत करो ऐसी हरकत है लड़कों को, वो बिल्कुल। और वो चाहे आपको अपने बेटे को चाहे नौवीं में आप इंजीनियरिंग के लिए आप लात मार के आप भेज दे रहे हो, पर उसके पहले का जीवन आपने उसको कैसे दिया, क्या आपने उसको मेंटली इमोशनली प्रिपेयर किया इस बात के लिए? ये इमोशनली अनअवेलेबल नहीं निकलेगा तो कौन निकलेगा? ये आधी बातों का जवाब देगा, आधी बातों का नहीं जवाब देगा तो कौन नहीं देगा, यही तो देगा। तो वो था मेरे ख्याल से, वो सीखा हमने। और सपना उस समय इंदौर से निकलते समय क्या था? बस रेडियो जॉकी बनना है, उतना ही है, उससे भी बड़ा कुछ सपना? सपना नहीं था कुछ भी। बहुत आप एज इन वेन डील कर रहे होते हो चीजों से कि बस जाएंगे कुछ करेंगे देखेंगे। मैं वैसा जीवन मेरा, मैं अभी भी कोई बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ लाइफ को लेके कि अरे यार बहुत ऐसा ये करना है वो करना है मेरा, मैं बड़ा सटल को रहता है, मैंने अपने बारे में दुनिया की सारी अच्छी चीजें सोच रखी और जब वो होती हैं तो मैं उनको बस ऐसी देखता हूँ अच्छा अच्छा हो गया, सेम है या जो भी उसका उसमें संभाव जिसको कहते हैं कि ना बहुत स्थिर मानसिक स्थिति के साथ में उनको लेता हूँ, क्योंकि क्या है कि अच्छा हो रहा है तो अब क्या सेलिब्रेट करने लग जाऊंगा मैं, तो बुरा होगा तो क्या नस काटूंगा मतलब उसको। और होता ही ना, आर्ट फील्ड आपका वो एक मारवाड़ी में एक बड़ी खूबसूरत कहावत है कि कदे घी घना कदे मुट्ठी चढ़ा, ठीक है कि कभी बहुत सारा घी भी खा रहे हो कभी सिर्फ एक मुट्ठी चने में भी काम चला रहे हो, तो हम दोनों में हमारा हाथ जोड़ के ग्रेटिट्यूड के साथ हम रह लेते हैं। दूसरी एक बात जो हमको बहुत काम आती है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को सुना है मैंने, बड़े बड़े आर्टिस्ट और म्यूजिशियन को बहुत सुना है, तो उनकी सुनी हुई बातें भी बहुत काम आती हैं, वो जीवन में मैं अप्लाई कर पाता हूँ। कई बार मंच के पीछे जो बातें होती हैं ना वो भी बड़ी काम आती हैं, वो लेसन्स होते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं यंग जाकिर में एक ये एक होता है ना एक फियर या इनसिक्योरिटी ये भी थी क्या कि इतना बड़ा वृक्ष है घर में अब्बा जी, तो कहीं मैं उन्हीं की छाया में उन्हीं के साया में ऐसा ना हो कि मेरी अपनी कोई पहचान ना बन पाए, मैं उन्हीं का पोता बनकर रह जाऊँ? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब कि हमको तो लगता था कि कितना बढ़िया है ये। एक चीज़ जो ये ज़िंदगी में दोबारा, ये मेरे ये बात मेरी ज़िंदगी में दोबारा तब आई जब दिल्ली में जब मैं कॉमेडी करता था और मुझे AIB में नौकरी का अवसर मिला, और उस वक्त AIB का बड़ा नाम था और उनके साथ जो लोग काम करते थे तो इस बात से जाने जाते थे ये लोग AIB के साथ काम करते हैं। तो जब मैंने उनके साथ काम करने के लिए हाँ कही तो मेरे आसपास के जो मेरे पीयर के लोग थे उन्होंने कहा कि तुमको पता है ना क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है कि वो लोग अब तुम्हारे अब कुछ रहेगा नहीं, अब तुम इसी बात से जाने जाओगे कि तुम AIB में काम करते थे। तो हमने बहुत इस बारे में बड़ा सोचा, फिर मैंने सोचा कि अगर यही मेरी हैसियत और किस्मत होगी तो फिर यही होगा मेरे साथ, और या फिर मैं इसके भी पार निकलने की कोशिश करूँगा तो फिर वो रिस्क क्यों ना लूँ मैं, या फिर मैं फिर मेरा यही मेरी नियति है कि मैं किसी और के नाम से जाता। फिर मैंने उस वक्त यही सोचा था कि अब्बा जी के नाम के साथ जाने जाते तो वो भी क्या पूरा है ना, तो एक और किसी और के नाम से जाने जाएंगे, अपना तो जीवन ही यही रहा है भाई, अपना मत चलता है इसके अंदर अपने कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है अपना नाम, बस ये है कि एक बार शहर से निकल के कुछ और एक्सप्लोर करना था शायद इसी वजह से। नहीं, शुरू में तो मैं दिल्ली का जब मैंने खुद ढूंढा कोर्स वोर्स, मैंने बोला यहाँ वहाँ दिल्ली, उन्होंने बोला बम्बई चले जाओ, मैंने कहा बम्बई नहीं जाएंगे, दिल्ली भेज दो, क्योंकि बम्बई में इनकी म्यूजिक वाले लोग ना बम्बई में इनकी बहुत जान पहचान, मैं कहा भैया तुमसे हाथ जोड़े तुम्हारे हमें जाने दो, हमको सुखी करो तुम पहले तथास्तु बोला कि भैया बस नहीं इंटरेस्टेड है आपके जान पहचान के लोगों में, हाजिर नाजिर अपनी पूरी जहनियत में कहना चाहता हूँ कि साहब मुझे पहला ब्रेक जो है वो मेरे चाइना रुद ने दिया था। आई नो आई वांट पीपल मैन, बेटर पीपल, आई वांट पीपल, मोर पीपल। मेरे को बिल्कुल वो हरकत पसंद नहीं है कि हे एवरीबॉडी गाइस जाकिर खान इज इन द हाउस एंड इज वेरी फनी, भाई जोक सुना दे, आप इतना अच्छा, आप इतने बड़े लोग हैं कहाँ हमारी हैसियत है देखिए। हाँ और क्या, काम में बहुत अलग आदमी हूँ। अच्छा, यू डिफिकल्ट टू डील विद? नो मना कर देते हैं हम। मना करूँ व्यक्ति हैं हम। अच्छा, मन नहीं कर रहा कि नहीं करेंगे कि हूँ राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूँ आराधना सबसे जो मैं महान हूँ, ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल पवा निहार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, शून्य पे सवार।